नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हरियाणा सिविल सर्विसेज के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस भी देख लीजिएगा प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। निम्न में से किस संगठन ने प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना की है? ठीक है, तो एक तरीके का फंड जो है सेटअप किया गया है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, और इसको सेटअप किया है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो एक प्रकार की सर्विस पोर्टल है ये। ठीक, और इसको जो है नाम दिया गया है ब्रॉडकास्ट सर्विस पोर्टल। ठीक, तो इसमें जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी है ना, इन सबको यहाँ पे आप सुविधा ले सकते हैं। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल कंसाइंस डे, ठीक, कब ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, तो जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि आप कभी डिलेमा में होते हैं कि क्या करें या क्या ना करें, तो कहा जाता है ना कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, जो कहा जा रहा है उससे आवाज़ आ रही है वो करो। ठीक, तो उसी को जो है एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए 5 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने एथेनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? ठीक है, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना कि ये जितने भी हमारे पेट्रोल वगैरह हैं जैसे, है ना, तो इनमें एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने, तो उसी के लिए कई सारी स्कीम के तहत जो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे ऋण वितरण किए जा रहे हैं, तो उसकी समय सीमा इन्होंने बढ़ा दी है अब 30 सितंबर 2022 तक के लिए। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में भी इसको देख लीजिएगा, फिलहाल ये टाइम देखिए 30 सितंबर 2022। विक्टर ऑर्बन हाल ही में किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं हंगरी के, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अपराधी को कौन सा दंड देने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक सिद्धांत है जिसका नाम है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, है ना, इसकी स्थापना की गई थी? तो देखिए, इंडिया में आपने देखा होगा कि जो डेथ पेनल्टी होती है ना, उसमें जैसे कि फांसी दी जाती है मेनली, तो ये बहुत ही कम केसेस आपको देखने के मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब एक दुर्लभ स्थिति में ऐसा जो है पनिशमेंट दिया जाए, तो इस डॉक्ट्रिन की स्थापना की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, तो ये संबंधित है इसी मृत्युदंड से, क्योंकि आपने मोस्टली केसेस में देखा होगा कि जो है सज़ा जो दी जाती है वो आजीवन कारावास की दी जाती है। ठीक है, तो उसी के रूप में यहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला देखिए, फेसबुक का कौन सा प्लेटफॉर्म आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी से संबंधित है? ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आजकल आपने देखा होगा कि जैसे एक वर्चुअल रियलिटी का एक डिवाइस होता है, ऐसे आंखों पे लगा लेते हैं उसको। ठीक है, तो उसके बाद एक वर्चुअल वर्ल्ड में जो है चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी उसमें। ठीक है, तो इस डिवाइस को जो डेवलप किया है फेसबुक ने, ठीक है, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी अब कौन सी हो गई, मेटा। ठीक है, तो इनके इस डिवाइस का नाम है ऑक्यूलस, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट है। अगला देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री आकाश के रंग को निम्न में से किस रूप में देखता है? ठीक है, तो देखिए, कोई भी एस्ट्रोनॉट जो होते हैं जैसे स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में किस चीज़ की एब्सेंस है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर न होने की स्थिति में जो लाइट है तो उसकी स्कैटरिंग जो है नहीं हो पाती, यानी कि प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक, तो इस वजह से उनको आकाश का जो रंग है स्काई का वो ब्लैक दिखाई देगा। ठीक, यहाँ से हम इसको चुनेंगे। और वहीं पृथ्वी से जब हम देखते हैं आकाश को तो हमें नीला कलर यानी कि ब्लू दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट आती है ना इनकमिंग, तो उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना हो जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमको जो है वो ब्लू दिखता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। अगला देखिए, एक जैव तकनीक जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो ये कौन सी तकनीक होती है? तो बायो, मतलब बेसिकली जो
ट्रीटमेंट वगैरह आपने देखा होगा है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ होती है सोनोग्राफी, ठीक है। जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह होती हैं तो उनके स्कैन वगैरह के लिए इसको कभी कभी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कौन सी ये साउंड जो है अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो हैं ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा सोनोग्राफी में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है, ठीक है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसमें जितने भी हम ये रेज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी भी बेसिकली जो एनर्जी होती है वो डिपेंड होती है किस पे, वेवलेंथ पे, है ना। तो जितनी ही ज़्यादा लंबी वेवलेंथ होगी उतनी ही लो एनर्जी होगी, ठीक है। तो इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो गामा रेज हमारी जो होती हैं है ना, इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं उसकी सबसे कम होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा जो है स्पेक्ट्रम होता है, ठीक। तो अब यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में से देखेंगे तो यहाँ पे गामा रेज नहीं है, तो उसके बाद हमारा क्या आता है जो है एक्स रेज, ठीक। तो क्रम कुछ ऐसे होता है, गामा, फिर एक्स रेज, फिर जो है यूवी रेज, है ना, फिर इंफ्रा रेड, ऐसे जो है क्रम ये होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं कहाँ, मेजरली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले काम होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो अभी इसमें दिसंबर 2021 तक हमसे पूछा है, तो इस समय तक तो फुगाकू जो है जापान का है ना, ये सबसे फास्टेस्ट था, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको चुन लेंगे। परंतु अगर अभी आपसे इसके बाद जो है मई 2022 के बाद अगर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा, अब जो है फ्रंटियर हो गया है, ठीक, जो कि कहाँ पे है, यूएसए में, ठीक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जो एनर्जी है वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, ठीक। तो ये जो है अब सबसे फास्टेस्ट है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 1861 का जो पुलिस अधिनियम है, ठीक है, पुलिस एक्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे, तो इनमें से किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर यह अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो एक कमीशन बना था, पुलिस कमीशन, जिसके हेड थे H.M. कोर्ट, है ना। तो इनकी रिकमेंडेशन पर पुलिस एक्ट 1861 जो है बनाया गया था। हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव की जो सील है यानी कि जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, तो उनमें से निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। तो जो पशुपति सील्स प्राप्त हुई हैं हमें ये हड़प्पा से, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो लायन जो है, शेर ये नहीं है, बाकी के जो तीन हैं ये मिलेंगे आपको। अगला देखिए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है, ठीक है। तो जो मनी बिल होता है बेसिकली, कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, तो सिर्फ लोकसभा में, ठीक। अब कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, है ना, उसमें मनी बिल के प्रावधान है या नहीं है, इसकी जो है पुष्टि किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं इनके द्वारा। अगला है, आनुवंशिकी निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है, किस विषय से संबंधित है। तो देखिए, आनुवंशिकी जो है आपका ये हेरिडिटी और वेरिएशंस जो शरीर में आपको देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडीज़ में, ठीक है, अगर एग्जांपल लें हम तो इनसे ही संबंधित है, ठीक। जो आनुवंशिक लक्षण आपके अंदर पाए गए या जो विविधताएँ आपके पास हैं ये डील करती हैं जेनेटिक्स से। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की पुलिस केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में है, ठीक है। तो जो दिल्ली पुलिस है इसमें से देखेंगे, है ना, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का हमारा यूटी है, ठीक, ये है आपका डायरेक्ट कंट्रोल किसका, इसमें यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है, ठीक। तो मान लीजिए, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर्स होती है, ठीक, कोई जज रिटायर हो गए तो उसके बाद भी अगर मान लीजिए कुछ विशेष परिस्थिति में उनको टेम्परेरी पीरियड के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए नियुक्त किया जाना है, तो ऐसा रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर जज से कौन कर सकते हैं, तो भारत के जो चीफ जस्टिस होंगे उस समय के वो कर सकते हैं। अगला है कि जो पपीता आप खाते हैं पपाया, तो उसमें पीला रंग उसका होने का जो कारण है वो क्या होता है, ठीक। तो एक वर्णक होता है कैरिकैक्सैंथिन, ठीक है, इसकी जो उपस्थिति के कारण हमारा जो पपीता है वो पीले रंग का होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन नहीं थी? ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी की जो नेहरू रिपोर्ट आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे भारत के संबंध में उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इसकी कोई रिकमेंडेशन अपनी रिपोर्ट में नहीं की। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन ठीक हैं। अगला देखिए, के एम मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक है, द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, तो इन कॉन्सेप्ट को जो है कुंडली के रूप में जो डिस्क्राइब किया गया है के मुंशी के द्वारा, ये कौन थे? तो ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है ना, इसके बारे में ये उद्देश्य, मतलब ये जो स्टेटमेंट इनका है, ये कहा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो प्रपोर्शन स्टेट अगर हम देखेंगे दिए हुए ऑप्शंस में, तो ये हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि यहाँ की जो माउंटेनियस टेरेन है और मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो विलेज जो है उससे संबंधित है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ठीक है, तो शायद हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो इधर हमारा डक्कन प्लेटू का एरिया है, ठीक है, तो वो जो है ये बेसाल्टिक लावा के डिपोजिशन के कारण बना है। ठीक है, तो उसी क्रम में यहाँ पे जो है बेसाल्टिक लावा के जो है वीदरिंग के कारण यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है इस रीजन में, ये रेगुर सॉइल यानी कि जो ब्लैक सॉइल होती है ना, इसी को बोला जाता है, तो ये निर्मित हुई है। ठीक है, तो इसी एरिया में देखेंगे तो ये मेजर रीजन है ब्लैक सॉइल का, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, जौनपुर नगर निम्न में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? ठीक है, तो जौनपुर सिटी को स्टैब्लिश किया गया है इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, जरा फटाफट कॉमेंट करिए। अगला है, क्षरण यानी कि कोरोजन का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो देखिए जैसे चांदी की कोई वस्तु खुले में रखेंगे तो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग धीरे धीरे होने लगती है ना, काली पड़ने लगती है वो चांदी। ठीक, तांबा खुले में रखेंगे तो उस पर हरे रंग की कोटिंग होने लगती है। ठीक, और कोई आयरन की रॉड होगी, मान लीजिए आयरन की वस्तु होगी, तो उस पर जो जंग लगने वाली घटना होती है तो ब्राउन होने लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये तीन के तीनों ही हमारे उदाहरण हैं कोरोजन यानी कि क्षरण के। वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों पर राज मन्नार समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के संबंध में रिकमेंडेशन के लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई थी, राज मन्नार कमेटी, 1969 में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो जो पुर्तगीज पावर, देखिए पुर्तगीज यूरोपियन के आने के क्रम में सबसे पहले भारत में आए, तो जैसे वास्को डी गामा आया था 1498 में, ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे एक तरीके से सेटअप होने लगे भारत में, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद जो है ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसको एक तरीके से भारत में पुर्तगीज शक्ति का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे इसने ही जो है गोवा को कैप्चर किया था ना सुल्तान जो बीजापुर का था उससे 1510 में, है ना, तो ये सब कुछ मेजर इवेंट्स थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के टाइम पीरियड के संबंध में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट था हमारा रेवेन्यू का एक मॉडल जो था, तो इसके लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, तो यहाँ पे 1793 में पता ही होगा आपको कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है ये, तो ये जो है गवर्नर जनरल था। अगला है, आइडिया ऑफ जस्टिस इस पुस्तक को जो है किसने लिखा है? ठीक, तो ये फेमस इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन जी, ये इनकी पुस्तक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं? ठीक, तो जैसे केंद्र में आपने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उसी प्रकार राज्यों के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसके चेयरपर्सन जो होंगे ये चीफ मिनिस्टर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बना है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश का जो हमारा ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे डलहौजी के नियर में ये बांध बना है हमारा है, जो है रावी नदी पे, इसका नाम है चमीरा बांध। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है तो श्वास की दर जो है वो क्या हो जाती है? ठीक,
तो बेसिकली जो आपका बॉडी में ब्लड है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की जो है डिक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आपके लंग्स जो है वो तेज़ चलेंगे और आप सांस जो है तेज़ी तेज़ी से लेंगे, तो ब्रीदिंग रेट जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जब गुर्दे यानी कि किडनी कार्य करने में विफल हो जाते हैं तो इसमें किस चीज़ का संचय हो जाता है जिसके कारण ये डिसफंक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं ब्लड में, है ना, अगर इनका एक्यूमुलेशन होता है तो इस वजह से आपकी जो किडनी है वो फंक्शन करने में फेल हो जाती है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो देखिए इसमें से देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा उत्तर, राखीगढ़ी जो है कहाँ है, राजस्थान में नहीं है, हमारा जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का यहाँ पे स्थित है, बाकी के सब पेयर ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के यानी कि जो पशुओं के पैर होते हैं ना हूफ, ठीक, उनके निशान के रूप में पशुपालन के पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है, ठीक है, तो ये हमारा प्री हिस्टोरिक साइट है एक कोल्डिहवा, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे जो है अर्लीस्ट नोन हमें एविडेंस मिलते हैं किसके जो है ये पशुपालन के, ठीक है, तो ये अब किस स्टेट में है, तो वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर ये स्थित है। निम्न में से किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी जो है त्याग दी थी, ठीक है, तो नाइटहुड जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांट करती थी, जैसे भारत में भारत रत्न मिलता है ना, तो उस तरीके से वहाँ पे नाइटहुड एक तरीके से देते थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये मिला था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, ठीक है, 1919 का, ठीक है, तो उसके विरोध में है ना इन्होंने अपना जो नाइटहुड है उसको वापस कर दिया था। अब निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो देखिए ब्रिटिशर्स की कुछ यहाँ पे जो लिखे हुए देश हैं इनके साथ कुछ संधियाँ हुई थी, है ना, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ट्रीटी ऑफ ये यांडबू जो है ऑप्शन डी वाला, ये बांग्लादेश के साथ नहीं है, तत्कालीन जो बर्मा यानी कि म्यांमार है इसके साथ हुआ था, जो फर्स्ट एंग्लो ये बर्मीज वॉर हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी इन दोनों देशों के मध्य, पीस ट्रीटी एक तरीके से 1826 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी का ऑप्शन ठीक है इसको चुनेंगे हम। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, तो देखिए तीन यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हैं, है ना, जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर स्थापित किए गए, तो इसके जो फाउंडर हैं तो देव समाज पहला जो है श्री नारायण गुरु लिखा है, ये गलत है, देव समाज जो है 1887 में फाउंड किया गया था किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, ठीक है, ये ब्रह्मो समाज के एक्टिव मेंबर थे, उसके बाद वहाँ पे जब इन्होंने ब्रह्मो समाज को छोड़ा तो देव समाज की स्थापना की थी, ठीक है, उसके अलावा धर्म सभा और राधा स्वामी आंदोलन जो है ये सही सुमेलित हैं, तो सिर्फ दो और तीन को चुनेंगे। निम्न में से कौन सा देश पूरी तरह से मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की पेशकश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है, तो जो जितने भी मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे बस ट्रेन ये सब, तो वहाँ के पब्लिक के लिए जो है पूरी तरीके से इनको फ्री कर दिया गया है लग्जमबर्ग में, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन ये बताइएगा कि ये लग्जमबर्ग जो है किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। वीरा नाट्यम निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध अनुष्ठान नृत्य है, यानी कि एक रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म है, तो ये किया जाता है आंध्र प्रदेश में। शरीर का तापमान निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, तो देखेंगे हमारा जो ये ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है, तो जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है भारत के लिए 2022 का जो हमारा फिस्कल ईयर है, तो यहाँ पे अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर है तो इसके बाद यूएन ने इसको जो है रिकंसिडर करते हुए पहले 6.7 से अब जो है 6.4% जो है ये एस्टिमेट किया है, ठीक है, तो ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा यूएन के हिसाब से ये है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वॉर किसका चल रहा है, रशिया का चल रहा है, ठीक है, तो इन्होंने ही अभी रिसेंटली इस वॉर में हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया था, इसका नाम जरा कमेंट करिए, हमने शायद आपको पहले भी ये बता रखा है।
हाल ही में राजस्थान राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का उपयोग किया गया? ठीक है, तो देखिए एक टेक्निक है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है बोमा टेक्निक, जो कि अफ्रीका में काफ़ी प्रिवेलेंट है। तो अभी राजस्थान का जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे इसको यूज़ किया गया। इसमें बोमा टेक्निक में होता क्या है कि जैसे एक फनल नहीं होता है ना, ये कुछ इस शेप का, ठीक है, तो इसमें जो है जानवरों को एक तरीके से वो खाने पीने की वस्तुओं का इसमें जो है ट्रैप बना के ऐसे लालच दे के फिर उनको इसमें से गुजारते हैं, और यहाँ पे एंड में एक जो व्हीकल होगा उसको लगाया जाता है ताकि वो उसमें आके फंस सके और उसको फिर एनिमल को दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। तो बी हमारा करेक्ट था। अच्छा ये बताइए कि किस जानवर के लिए इसको जो है यूज़ किया गया है यहाँ पे? आज का अंतिम प्रश्न देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022 की थीम यानी कि विषय क्या है? ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है 20 मार्च को। ठीक, अब जो है हमें ये बताना है कि इसकी थीम क्या है। तो 2022 के लिए इसकी थीम थी आपका जो है कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड, है ना, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो इसी प्रश्न के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।